असलम वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो आज की इस वीडियो में हम दोनों प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीच प्लेसेंटा इज़ गुड एंटीरियर और पोस्टीरियर कौन सा प्लेसेंटा अच्छा है यानी गुड है एंटीरियर प्लेसेंटा और पोस्टीरियर प्लेसेंटा बिकॉज दोनों का मुझे एक्सपीरियंस है मेरी चार प्रेगनेंसी में मैंने दोनों प्लेसेंटा को एक्सपीरियंस भी किया है यानी मैंने कभी फंडा भी किया है और लो भी एक्सपीरियंस किया है बीच बीच में तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं किस वीक में कौन सी वीक में कितने वीक में और एंटीरियर के टाइम क्या बेबी हुआ था पोस्टीरियर के टाइम क्या बेबी हुआ था वो सबको डिस्कस करूँगी तो कौन सा प्लेसनटा अच्छा है यहाँ पर क्वेश्चन है तो आंसर जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो अच्छी लगी तो एंड तक बने रहना बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ तो आगे बढ़ते हैं आंसर इज़ वुमन विथ पोस्टीयर प्लेसेंटा हैविंग ए ग्रेटर रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डिलेवरी यानी पोस्टीरियर प्लेसेंटा के साथ ग्रेटर uh, रिस्क होता है कि प्री डिलीवरी होने के चांसेस ऐसा हो सकते हैं ज़रूरी नहीं सबके साथ हो ये कुछ ही लोगों का एक्सपीरियंस होता है और कुछ लोगों का नहीं भी होता यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि सबके साथ हो सकता ही है तो आगे बढ़ते हैं दिस स्टडी सपोर्ट्स दी हाइपोथेसिस दैट लोकेशंस ऑफ द प्लेसेंटा इज एसोसिएट विद द प्रेगनेंसी सक्सेस यानी प्लेसेंटा के एसोसिएट से प्रेगनेंसी की सक्सेस लोकेशन uh, से पता चलती है कि क्या लोकेशन है आपके प्लेसेंटा की उस पर डिपेंड है आपकी प्रेगनेंसी की सक्सेस जर्नी लो है प्लेसेंटा फंडल है प्लेसेंटा एंटीरियर प्लेसेंटा पोस्टीरियर प्लेसेंटा लेटरल प्लेसेंटा लेफ़्ट है राइट right है वो सब कुछ पता चलता है तो आगे बढ़ते हैं देर दी प्लेसेंटल लोकेशंस में भी एन इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन ऑफ़ प्रेगनेंसी आउटकम यानी आपकी प्रेगनेंसी की जो आउटकम रिजल्ट है यानी बेबी की डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है देर दी प्लेसेंटल लोकेशन आपकी प्लेसेंटा की जो क्या लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डिलीवरी के लिए अगर आपका प्लेसेंटा लो है तो कहीं ना कहीं डिलीवरी नॉर्मल होने का थोड़े चांसेस कम होते हैं अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर और पोस्टीरियर है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी के साथ जा सकते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम फंडल एंटीरियर प्लेसेंटा था और मुझे बेबी बॉय हुआ था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मैं मुझे फंडा पोस्टीरियर एक्सपीरियंस था मेरा और मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और सेकेंड मुझे बेबी गर्ल हुई थी जो कि नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी जो मेरे दोनों एक्सपीरियंस है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो फर्स्ट के थे दोनों में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मेरी थर्ड प्रेगनेंसी में भी मुझे एंटीरियर प्लसेंट ही था और मुझे बेबी बॉय हुआ था मगर उस वक्त मुझे इमरजेंसी में सी सेक्शन कराना पड़ा था बिकॉज ऑफ मेरे नाइन मंथ के एंड थी उस वक्त मेरा एमनियोटिक फ्लूड पूरा बिल्कुल भी जीरो की पोजीशन पे आ चुका था एनी uh, हाउ वो कुछ सम रीज़न्स थे उनके वजह से मुझे सी सेक्शन के थ्रू जाना पड़ा विदाउट एनी चांसेस फर्दर डिले उसी वक्त मैंने इमरजेंसी में सी सेक्शन करवा लिया मुझे बेबी बॉय हुआ मैं ओवरऑल कहूँ तो मुझे तीनों बेबी बॉयज़ के टाइम मुझे फोर्थ भी बेबी बॉय हुआ मुझे तीनों बेबी बॉयज़ के टाइम एंटीरियर प्लसनटा ही था और बेबी गर्ल के टाइम पोस्टीरियर प्लसेंटा था तो यहाँ कुछ लोगों का डाउट होगा एंटीरियर सही है पोस्टीरियर सही है जी नहीं आपकी प्लेसनटा की क्या पोजिशन है वो कहाँ पर है यूट्रस में कहाँ पर आपके प्लसेंटा की पोजीशन है उस पर डिपेंड होती है आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी की और आपकी नॉर्मल डिलीवरी की सी सेक्शन डिलीवरी की वीडियो अच्छी लगी तो